चलने नहीं जब तक पक्का रास्ता ना बने देशों में रोड ना ये आप इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर कैसे खोल सकते हो सर तो मर जाएगा कोई ड्राइवर वगैरह सर एक्सीडेंट भी हुए हैं ये लोग आपस में ही खोला ही नहीं जा सकता इनको ये इसको रोड ही अप्रूव नहीं है ये अगर ये रोड बना दें सर कम से कम लोग बहुत अच्छा तुरंत वो हो जाए और कई एक्सीडेंट भी सर पहले हो चुके हैं भूमि जल नहीं सकती इट इज हाईली रिस्की यार भाई जब कोई छोटी गाड़ी से कभी ले आए यहाँ पे सही नहीं चलेगा छोटी गाड़ी से क्या मिला डीवीडी इनका लगाई नहीं है बस अब बंद ही रहेगा ये नहीं कैमरा तो लगा कैमरा को रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगा है दो कंप्यूटर भी लगाए डीवीआर नहीं है लेकिन वो सीपीयू कहीं लगा ही नहीं सीपीयू डीवीआर डीवीआर हटा लिया नहीं डीवीआर होगा सर नहीं तो देना तो उसकी रिकॉर्डिंग तो कौन देखता है हिसाब किताब रोज का कितनी गाड़ी निकली कितनी आई राधे सुने ना सील इसको भी कोई बात नहीं वो माल कहाँ से आया जो बड़ा कच्चा माल ये वाला कहाँ से वो डक का माल है वो बहुत बढ़िया बहुत बहुत ही बढ़िया इसी रैंप को ही खोद रहा है इसी रैंप को खोद रहा है ये तो इसी रैंप को खोद खोद के निकाल रहा है ऐसा लगता है काफी मटेरियल लग रही है फ्रेश मटेरियल है भाई ये हमें जरा डाल रहा है हां नहीं खुद रहा है ये तो ये कुछ कैसे रहता है ये तो बारिश में होता होगा वो सब ये तो एकदम ही ताजा माल है यार नया माल है क्यों भैया ये इसके टीम का इंचार्ज तुम हो ना कहां से आया माल बताओ हेलो यूएस टीम के इंचार्ज तकरीबन खंडी जो भूमि कहां से माल बताओ जंगल का माल है दिखाओ फिर कहां का ये जो हमारा पथरी बंगल पथरी बंगल से निकला है कहाँ से निकला भाई ये कहाँ से निकला है ये मटेरियल कहाँ से लाया पहले ही पढ़ा जी ये पूछा कि पहले का पढ़ा है मैंने पूछा आया कहाँ से लाए कहाँ से आया कहाँ से ये पूछा है पहले बात की बात नहीं हो रही अभी कहाँ से निकाल के कहाँ से आए कहाँ से क्योंकि ये बुके का नहीं है नहीं कहाँ से निकला मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी निकला था कहीं से निकाला और ये जो ताजे ताजे पैर के निशान लगे हुए हैं जो रोज माल निकल रहा है कहाँ जा रहा है ये जो माल उठ रहा है रोज नए जो टायर के निशान बने हुए हैं ये कहाँ जा रहा है माल कैमरा दिखा बोलो ना पथरी बनखंड से आए पथरी बनखंड का 300 बीघे जंगल खुद चुका है और अभी भी खुद रहा है पथरी बनखंड का कौन इंचार्ज है लेखपाल वो अभी तक वहाँ की रिपोर्ट आई कि नहीं बोलती हूँ कहाँ है समित पर ये जो पथरी वनखंड का नाम बार बार ले रहे हैं 300 बीघा खुद गया है वो रिपोर्ट क्यों नहीं है भेज दी सर ये वाली तो मैडम भेज दी माल चल रहा है वहीं से निकला है मतलब ना ये पथरी वनखंड का माल है ना मोटा मोटा मिला भी माल को मैच भी करना अभी हो रहा है खुदा में की नहीं कल रात भी चली है तो ये रात का ही माल होगा चार पांच गए थे अब दिखाओ कैमरे का रिकॉर्ड कैमरे लगाए हुए उसका रिकॉर्ड देखना है कैमरे तो अभी चल रहे नहीं चल रहे बस हम यही सुनना चाहते कर दो भाई सील कर कैमरे चल नहीं रहे तुम्हारे हाथ पर बस सील चलाएंगे क्योंकि इतना चोरेंगे तो कैमरा कहाँ से इतना कैमरे में तो चोरी कर नहीं सकते इतना
सौ मीटर चोरा हुआ है, कैमरा होगा तो चोरी कैसे होगी? कहाँ ये है ना स्क्रीन, बताओ इसका वो चालू करो, रिकॉर्डर करो, ये तो कह रहे चल ही नहीं रहा ना, कब से खराब है भाई, कब से खराब है? कल परसों से, कल से, अरे बताओ कल से की परसों से, परसों से परसों से ना, अच्छा अभी देख लेते हैं कहाँ खराब चल रहा है, झूठ बोल लो बैक करके दिखवा लो कल रिकॉर्डर भी रख रहा है, इसकी चोरी भी रिकॉर्ड हो जाएगी, वही वही गई होगी यार, अभी तो मिल भी जाएगा सर, कौन है, कब से कैमरा खड़ा भाई तुम्हारा, ओहो 20 दिन से खराब हो गया, तो चल कैसे रहा है कैमरा, दिख रहा है तो चलते रहे, ये है मैंने सब्सक्राइब लीगल माल, देखो हाँ ये ताज़ा है और ये भी ताज़ा है, बुला दो भाई इनके मुंशी को, तो रोज तुम रात को इतना निकालते होंगे, रोज पीसते होंगे और रोज भेज देते होंगे, तो पता ही नहीं चलेगा प्रशासन को, प्रतिदिन चल रहा है ये आपका तरीका है, ये गेट क्यों बना रखा भाई बिना मतलब में, किस खुशी में बनाया हुआ है गेट, बोलो भाई तुमसे पूछ रहे हैं, गेट क्यों बनाया है, क्या भाई माइनिंग एक्ट में गेट कितना बना सकते हैं, क्रशर एक ही एंट्री और एग्जिट एक ही है, एक ही बना सकते हैं, चोर गेट है सारे, सब चोर गेट है ना, बस अब नहीं खुलेगा क्रशर तुम्हारा, हो गया आके सब इनको उसमें लिख के दे भी रखा है इन्होंने, बोल भी रखा है, उसके बाद भी चोर कैमरा सिर्फ उसी गेट पे, इन पे कैमरे हैं, खुदाई की होगी इसलिए, उन्हें तो अगर ट्रैक्टर वाले खुदा तो आपने गेट क्यों बना रखा है, आप बिना गेट के भी तो रह सकते, पीछे खुदा और बगल में गेट है जो अंदर लाने के लिए बनाएगा ना, फिर और वो भी तब है जब दो तीन बार पहले छापेमारी हो चुकी है और आपको नोटिस चले गए हैं कि एक ही गेट होना चाहिए, उसके बाद भी आप नहीं बंद करना चाहते, इसका मतलब यहाँ से माल आता होगा, चल रहा धक्का धक, चल रहा पूरा, हम उसे 2 साल हो गए कहते हो भाई चार दुवारी कर ले, अच्छा चार दुवारी किसी तरफ से नहीं, और हमारे चक्की 3 साइड का कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है बिना चार दीवारी का, सुनिए उसमें उसमें चार दीवारी है या नहीं, पहले नहीं सर चार दीवारी, कैसे चल रहा है, क्या कर रही है आपकी टीम, हमारी साइड में नहीं है, बाकी दूसरी साइड में, चार दीवारी मतलब चार होता है चारों तरफ होगी, किसी तरफ नहीं, क्या चल रहा है, ताला लग सके बंद हो जाए, ठीक हो तीन सेट लगा रखी है, बताओ खत्म बंद हो गया, अभी तक कितने जितने भी क्रशर्स देखे मैक्सिमम मटेरियल इसमें है, आई डोंट थिंक भी इतना क्रश माल मिला है, नोबडी हैज दिस स्टोरी, तो मैक्सिमम चोरी इसमें है, क्या वहीं का आ रहा है पथरी वनखंड का, जी हां पथरी वनखंड, खत्म हो गई बात, वनखंड दिखवा क्यों नहीं रहे यार, हम सारा माल वहां से आ रहा है, अभी भी खुद रही है ना रात को, कौन मांगा एक पाले पथरी वनखंड का, रिपोर्ट नहीं दे रहा है, और तुम्हारी टीम क्या कर रही है, हम सर रोज आ रहे हैं डेली आ रही है, रोज खुद रहा मतलब वहाँ से, नहीं तो जब हमें भाग जा अंदर पानी में, मैंने पूछा रोज खुदाई चल रही है, तो तुमने ये क्यों नहीं बताया अभी तक कि खुद के माल कहाँ जा रहा है, मैंने जब रोज खुदता है और तुम रोज खुदते हुए देखते हो, तुमने ये नहीं क्यों नहीं बताया कि माल गया कहाँ खुदने के बाद, बताओ इसका मतलब तुम मिले हो क्रशर से, जब ये रोज पथरी वनखंड से माल निकल रहा है और रोज जा रहा है, तो ये क्यों नहीं बता रहे कहाँ जा रहा है, और ये आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं इनसे कि कहाँ जा रहा है, जो सवाल खड़े करते हैं आपके कार्यशैली के ऊपर, इतना जब माल निकल गया और पथरी वनखंड से ही निकला है
और आपकी टीम रोज जा रही है तो आपकी रोज टीम के अंडे देने जा रही है। और ये जो माल है इसका हिसाब कौन करेगा भाई साहब? इसका हिसाब कौन करेगा? इसकी रिपोर्ट भेजी लेखपाल ने? क्यों नहीं भेजी? तो हम क्यों नहीं मान लें आपका सर से मिले हुए? और भत्री वनखंड में कितनी खुदाई हो रही है भैया जी? किसी सारे क्रशर्स की पूर्ति चल रही है वहां से। और 300 बीघा की रिपोर्ट है कहीं लिखित में? हाँ सर, जो हमने दिए वो हमारे पास अभी दिखाई थी। तो 300 बीघा की आपने खाना पूर्ति वाली दे रखी 10 बीघे की? सबकी रिपोर्टिंग है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या कोई दिमाग में कंप्यूटर चाहिए कि माल कहाँ जा रहा है? कोई भी देख लेगा कि माल कहाँ जा रहा है? आप खाना पूर्ति करके 4 बुगियां पकड़ रहे हैं और असली माल खोल दे रहे हैं। ये मूल किस पद में है? ये किस कब से हरिद्वार तहसील में? हरिद्वार 4-5 साल हो गया होगा। इसको तो हरिद्वार तहसील के रहने योग्य नहीं है। ये भी सील होगा भाई? इस पे तो इनफैक्ट अभी तक तो मैक्सिमम माल तो इसी में मिला मेरे हिसाब से। इसको अगर देखो यहाँ भी और वहाँ भी, तो कोई लिमिट नहीं है कितना ऊंचा हो सकता है भैया? बाउंड्री वॉल से ऊंचा नहीं है तो बाउंड्री वॉल से ऊंचा ही बाउंड्री वॉल। और ये हो गया बाउंड्री वॉल से 4 गुना ऊंचा है। अभी वही खेल है पूरा, देखो ये रखा बाकी स्मार्ट बना दिया यहाँ पे। और एक भी केस में टीम ने ये नहीं बताया माल कहाँ गया। मैं कल रिपोर्ट देखना चाहूँगा फिर। मैं कल देखूंगा लिखित में चोरी का माल कहाँ जा रहा था। जिसमें बताइए तो उनमें से एक भी क्रशर घी वाले को नहीं शामिल है। ये कोई छोटा मोटा मटेरियल तो है नहीं भैया, और ना ये एक दिन में चट्टा लगा है। तो कितने क्रशर में तो सीज कर दिए गए हैं और क्या क्या नियम है पाई थी? काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि आसपास के इलाकों में विशेषकर पथरी वनखंड में रात को खुदाई हो रही है और खुदाई होने के बाद वो मटेरियल कहीं ना कहीं क्रशर्स में जा रहा है। और तो आज उसी क्रम में निरीक्षण किए गए और बहुत से क्रशर्स पे अवैध माल यहाँ पे पाया गया जिसका वो कोई भी कागज़ ना तो दिखा पाए ना उनके पास था। साथ ही साथ किसी के यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो भी चलते नहीं पाए गए। क्रशर में रूल है कि आपका एक ही एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, जबकि बहुत से क्रशर्स पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स पाए गए जिससे पता चलता है कि इसमें चोरी का माल कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। तो उन क्रशर्स को अभी सील कर दिया गया है और इसमें से 3 क्रशर्स ऐसे हैं जिनमें कि आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और बहुत जोखिम भरे रास्ते से वहाँ पर जाया जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पर बड़ा मुश्किल है मटेरियल पहुँचाना जब तक कि आप चोरी ना करें। तो उनकी मैं अलग से भी एक रिपोर्ट शासन को भेजूँगा। अभी वर्तमान में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? इसमें मेरा रुख बड़ा स्पष्ट है कि इसका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो क्रशर ही है। और अगर आप बुग्गी की ट्रैक्टर की दाएं बाएं पकड़ धकड़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही क्रशर हैं। तो हमारी कार्रवाई क्रशर्स के ऊपर ही होगी। की तुसी चाहते हो कैनेडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दे विच अपना स्टडी वीजा अप्लाई करना? तो अज ही मिलो पिरामिड ई सर्विसिज दे माहर वीजा काउंसलरां नाल, अपनी एलिजिबिलिटी चैक करवाओ और कैनेडा दे मशहूर यूनिवर्सिटियां और कॉलेजां विच मई अते सितंबर 2019 सैशन लई अपना दाखला कराओ। तुसी कॉल कर सकते हो 92563 92563।